हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि समर्स में हम कौन कौन से ऐसे फेस स्क्रब हैं जो यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ पांच ऐसे ही अमेजिंग समर स्पेशल फेस स्क्रब आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको पता होना चाहिए अगर आप फेस स्क्रब को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको वो टिप्स पता होंगे तो आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगे। ये सारे टिप्स मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फेस स्क्रब की रेमेडी। इस फेस स्क्रब के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है नारियल। इसमें फिर मैंने फ्रेश टमेटो प्यूरी को ऐड किया है। आप टमेटो जूस भी ले सकते हैं या टमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसे अपने फेस पर स्क्रब करें। ये सन टैन को रिमूव करता है, सनबर्न को रिमूव करता है ये वाला स्क्रब, और जो इसमें कोकोनट है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने सूजी ली है, जिसे रवा भी बोलते हैं और इंग्लिश में सेमोलिना जिसे बोलते हैं, वो लिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। इसमें रोज़ वाटर ऐड करके अब मुझे इसमें एक स्पून कर्ड भी ऐड करनी है। अब ये हमारा बहुत अच्छा फेस स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। ये आपकी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है और आपकी स्किन पर ग्लो लाता है। इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है। चावल के आटे में चावल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये फाइन लाइंस को रिमूव करने का काम करता है। और इसमें मैंने कुकुम्बर का जूस ऐड किया है। कुकुम्बर का जूस गर्मी में बहुत ही ठंडा होता है, ये हमारी स्किन पे एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। तो ये हमारा एंटी एजिंग स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने संतरों के छिलकों का पाउडर लिया है। संतरों के छिलकों को पहले मैंने घर में सुखा लिया और फिर उसे पीस कर उसका पाउडर बना लिया। ये बहुत अच्छा फेस स्क्रब होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। फिर मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया। रोज़ वाटर हमारी स्किन पर एक गुलाबी निखार लेकर आता है। फिर इसमें मैंने हनी को ऐड किया है। हनी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा समर का एक बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट फेस स्क्रब के लिए मैंने हाफ टमेटो लिया है और इसमें फिर कुछ ब्राउन शुगर को ऐड किया है। आपके पास अगर वाइट शुगर है तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको बहुत ही जेंटली अपने स्किन पर स्क्रब करें। अपने फेस पर इसलिए नहीं स्क्रब करके बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही फेशियल किया है, उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो इसलिए मैं उसे फेस पर नहीं स्क्रब कर रही हूँ क्योंकि मैं वीक में सिर्फ एक बार ही अपने फेस को स्क्रब करती हूँ। तो ये हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन पे एक ग्लो लेकर आता है। तो ये थे 5 समर्स के फेस स्क्रब जिनका यूज़ करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। और वो जो टिप्स मैंने आपके साथ बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी, तो वो टिप्स ये हैं कि हमें ये फेस स्क्रब वीक में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें फेस स्क्रब यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम डेली फेस स्क्रब यूज़ करेंगे तो उससे हमारी स्किन डल हो जाएगी, हमारी स्किन पे दाने निकलने लगेंगे।
और सेकंड टिप ये है कि हमें फेस स्क्रब बहुत ही जेंटली यूज़ करने चाहिए अपने फेस पर, बहुत हार्शली हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्शली फेस स्क्रब को यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इन टिप्स को ध्यान में रखकर फेस स्क्रब को यूज़ करके आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।